मैं खुद होली खेल लेती हूँ। हाँ शहनाज, अब तो तुम सच में खूबसूरत लग रही हो। हाँ बिल्कुल, बंदरियों की तरह। नहीं, नहीं। है। एक टीका तो लगा दूं। ये क्या कर रही हैं आप? मैं अपने आप को रंग लगा रही हूँ। स्वयं को क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई रंग लगाए। मैं अपनी जिंदगी में खुद रंग भरना चाहती हूँ। पर तुमको क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी का रंग किसने चुरा लिया? तुम होली क्यों नहीं खेल रही हो? होली मुबारक, होली मुबारक। रंग मुबारक। आपको भी मुबारक। लक्ष्मी, आज हम लोग मंदिर में रंग खेलने चले? चलेंगे ना? बोलो ना, चलेंगे? हाँ हाँ, अवश्य जाएंगे। और आपको वहाँ का वातावरण बहुत ही पसंद आएगा। तुम्हें भी। और मुझे यकीन है कि वहाँ जाकर तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आएगी, और अपनी शौहर की भी। लक्ष्मी, रो मत, मत रो। देखो कितना सुंदर रंग लगाया तुमको। सब सब निकल जाएगा, बहुत मन से लगाया है। लक्ष्मी उदास रहती है, परंतु शहनाज के साथ उसका मन प्रसन्न हो जाता है और दोनों को एक दूजे का साथ भाता है। लगता है कि मैं चारों जगह फैल जाना चाहिए। जितनी आंखें होंगी उतना आसान होगा जो तब इनको ढूंढना। अरे शहनाज, आप कहाँ जा रही है? रुकिए, आपने कहा था ना हमें कि आपको भीड़ से डर लगता है। रुकिए शहनाज। चली गई। होली है। अरे नहीं, रुकिए। क्यों, यहाँ पे सब लोग तो रंग खेल रहे हैं, फिर तुम किससे बचना चाह रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, रुको लक्ष्मी, मुझे मत लगाना रंग। रुको रुको, मुझे फिर से बंदरिया बनने का शौक नहीं है। ओहो, जब आपकी बारी आई तो बहरा बरा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। क्षमा कीजिएगा, हम आपके ऊपर नहीं, वो उनके ऊपर रंग फेंक रहे थे। जोधा बेग, माफ। बीबी तो आप यहीं पर थी, हम आपकी आवाज कहीं से भी पहचान सकते हैं। जोधा बेग, क्या हुआ शहनशाह? टोडरमल साहब, हमने उनकी आवाज सुनी। सही फरमाया था आपने, वो यही है इसी मेले में, लेकिन अचानक कहाँ चली गई? सही कहा था अपने टोडरमल साहब, अगर हमें जोधा बेग मिलेंगी तो आज ही मिलेंगी। शुक्रिया। अब वहां देखिए, हम यहाँ देखते हैं। हम जानते हैं आप यही हैं जोधा बेगम, हम आपकी आवाज लाखों में पहचान सकते हैं। कहाँ है जोधा बेगम? आप अभी तो यही थी, फिर कहां चली गई आप?
शहनशाह संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं। नहीं टोडो मिल साहब, हम रुक नहीं सकते। अगर आज हमने जोधा बेगम को खो दिया तो हम जिंदगी भर के लिए उन्हें खो देंगे। अगर आज हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो जिंदगी भर उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे। अब मैं हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आप इस तरह आशा नहीं छोड़ सकते, ईश्वर ने आपको ये अवसर दिया है। आपने कम से कम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखा तो वो आपसे मिलने ही वाली है और इसीलिए आपके सामने आई है। लेकिन ऐसा क्या है टूडरमल साहब कि हमारे सामने आकर वो हमसे इतनी दूर चली गई? क्यों हम बताते हैं आपको? क्योंकि हमने उनके जज्बात को इस कदर ठेस पहुंचाई है कि वो हमारे चेहरे तक देखना नहीं चाहती। हम बहुत बहुत बुरे इंसान हैं टूडरमल साहब, बहुत बुरे इंसान हैं, और वो हर जगह सही साबित हुई है। आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, वो आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। और अगर आपके शब्दों से उन्हें इतनी ही चोट पहुंची है तो वो भी आपसे बहुत प्रेम करती होंगी। प्रणाम टोडरमल जी। प्रणाम। आपके आग्रह अनुसार मंदिर में दान करवा दिया गया है और पुजारी जी को उनकी दक्षिणा भी दे दी गई है। अरे आप तो वही है ना जो कुछ दिन पहले एक स्त्री को ढूंढते ढूंढते आश्रम में आए थे, आपको मिली वो? इतने खुशनसीब कहां। पर आपको ये चोट कैसे लगी? कल रात कुछ लोग एक विधवा को जलाकर मारने वाले थे, इन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की। विचित्र बात है, आपने जो भी गुण उस स्त्री में बताए वो सभी गुण हमारे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी से मिलते हैं। उसके पास भी कृष्ण की मूर्ति है। बाद में मुझे पता चला कि जब आप उनके कक्ष में गए वो वहां नहीं थी, वहां शहनाज थी। आश्चर्य की बात है, उस विधवा के साथ साथ आपने लक्ष्मी और शहनाज को भी बचाया। उसने आपके लिए लेप भी भेजा था। रुक जाइए। बहुत भली स्त्री है वो। क्या वो लेप हमारे लिए लक्ष्मी ने भेजा था? जी हाँ। हम उसी दिन समझ गए थे, हमारे दिल से आवाज आ रही थी कि वो मरहम हमारे लिए जोधा बेगम ने भेजा होगा। तब तो आपको तुरंत उनसे जाकर मिलना चाहिए। नहीं 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 टोडरमल साहब, हमसे वाकिफ होने के बावजूद वो हमारे सामने से चली गई, इसका मतलब यही है वो हमसे रूबरू नहीं होना चाहती है। ढूंढने की कोशिश में हम जिंदगी भर के लिए उन्हें खोते। हमें आप दोनों की एक मदद चाहिए। कहिए। चलिए शहनाज, अब होली खेलने का समय समाप्त हो गया है, अब हमें आश्रम लौट जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आश्रम में सब कुछ बहुत सादा सादा है और यहाँ देखो हर तरफ बस रंग ही रंग है। थोड़ी देर और रुकते हैं ना। चलिए ना, नहीं तो हम आपको यहाँ पर ही छोड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी अकेला छोड़ के मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, रहूंगी ना। अच्छा अच्छा, हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है, हम आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, बस पहले वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है, वचन दिया, अब चले। तुमने सुना है, अरे वो बेचारा आदमी जिसने एक विधवा और दो औरतों की जान बचाई थी। हाँ हाँ सुना है, वो मर गया, घाव काफी गहरे थे। यही होता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने किसी और की जान बचाई और स्वयं अपने प्राण गवा बैठा। इसी कारण कोई और किसी और के झगड़े में नहीं पड़ता है। क्षमा कीजिएगा, आप किसके विषय में बात कर रही हैं? अरे बहन, मैं उसी आदमी की बात कर रही हूँ जिसने एक विधवा और दो औरतों को पत्थरों की मार से बचाया था। सुना है अब वो नहीं रहा।